हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा टेक्स 24 में और मैं हूं सचिन भट्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोनी A1 के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी एडवर्टीजमेंट में देखने को मिल रहा होगा इस डिवाइस के बारे में। सो दोस्तों, अगर आप जल्दी के रिव्यू में हैं तो आप इस वीडियो को लीव कर सकते हैं, क्योंकि हम इन डेप्थ इस मोबाइल का रिव्यू देखने जा रहे हैं। हम हर एक एक फीचर पर गौर करेंगे और आप थोड़ा ठंड रख के इस वीडियो का मजा लेना। बिल्ड डिवाइस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके जो पीछे है वो भी मेटल, साइड में एजिस पे ये भी मेटल फील होते हैं, और ऑल ओवर अगर हम डिवाइस की बात करें तो ये एक काफ़ी सॉलिड फ़ोन हाथ में फील होता है। हालांकि इसका वेट थोड़ा सा हमको ज़्यादा लगा, बट स्टिल फ़ोन हमारे हाथ में ये काफ़ी अच्छा लगता है। फिर दोस्तों, अगर हम बात करें इस फ़ोन के बारे में, तो दोस्तों पीछे आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। ये कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये जस्ट एक जियोनी का लोगो है। यहाँ पे आपको नीचे LED फ्लैश, और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स। इससे आप वॉल्यूम को घटा और बढ़ा सकते हो, और इससे फ़ोन को जगा या सुला सकते हो वापस। राइट साइड में आपको मिलेगा फ़ोन में सिम ट्रे। दोस्तों यहाँ पे आप सिम ट्रे डाल सकते हो और अपना जो मेमोरी है इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो। नीचे आते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा एक स्पीकर, उसके साथ में एक माइक, और नीचे एक USB पोर्ट है जो कि एक रेगुलर USB पोर्ट है। ये इसमें नया वाला USB टाइप सी पोर्ट नहीं लगता, जो कि इसका एक ये माइनस पॉइंट है। दोस्तों अगर हम फ्रंट की बात करें तो इस डिवाइस में लगा है 1920x1080, या फिर आप कहो कि 1080x1920 का Full HD डिस्प्ले। तो दोस्तों ये एक बढ़िया पॉइंट है इस डिवाइस का कि इसमें आपको Full HD डिस्प्ले मिलता है। और दोस्तों ओवरऑल आपको इस डिवाइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों होम बटन पे इम्प्लीमेंटेड है फिंगरप्रिंट स्कैनर, और आपको जस्ट करना ये है कि आपको होम बटन को टच करना है और ये डिवाइस को सेकंड्स में खोल देता है। फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है इस डिवाइस में। और यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा। दोस्तों ये इस डिवाइस का USP है, जिसे कहे कि मतलब एक हाईलाइट जो इन्होंने दिया हुआ है, ये एक इस डिवाइस का हाईलाइट है। और यहाँ पे आपको एक फ्लैश भी मिलेगा, LED फ्लैश। इस कैमरे को हम आगे रिव्यू में देखेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा, जो हम बात करना कर रहे थे वो आउटर पार्ट का। डिवाइस के अंदर लगा हुआ है 4GB का रैम, ये रन करता है एंड्रॉयड 7.0 जो कि एक लेटेस्ट एंड्रॉयड OS कह सकते हैं इसको। और इसके साथ में ये खुद के कस्टम UI पर रन करता है जो Amigo 4.0 है। अगर हम इस डिवाइस के प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इसमें है MediaTek का P10 Pro का। तो दोस्तों अगर हम इस डिवाइस में प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगा है MediaTek का P10 प्रोसेसर, जो कि इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है। बाय द वे, हम प्राइस टैग की भी इसकी आगे डिस्कशन करते हैं। हम और देख लेते हैं कि इस फ़ोन में कैसा है ओवरऑल रिस्पांस। इस फ़ोन का काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फास्ट फील होता है, कहीं भी हमें हैंग वगैरह महसूस नहीं होता। इसमें आपको कुछ एप्पल की फीलिंग भी मिलेगी, और फ़ोन भी फ्रंट में या इसकी जो थीम की कस्टमाइज डिज़ाइन की गई है वो भी थोड़ा एप्पल का फील देते हैं। जो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी तरह ये आपको थोड़ा बहुत फील दे सकता है। यहाँ पे आप अपने अदर थिंग्स को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली मोबाइल डाटा चालू कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप टॉर्च जला सकते हैं, फिर यहाँ पे आप साउंड को मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे वाइब्रेट लोकेशन एक्सेट्रा। और दोस्तों आपको नोटिफिकेशन अगर देखना है तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिलेंगे इस डिवाइस में। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और यहाँ पे नोटिफिकेशन को सेट भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह के नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये डिवाइस आता है इसके खुद कस्टमाइज UI के साथ, और इसमें मिलते हैं आपको अलग से कुछ फीचर्स जो कि आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉयड में नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आप इसको
प्रेस करोगे लॉन्ग प्रेस तो इसमें आप यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, विजिट्स मेंटेन कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, क्लीन अप कर सकते हो। तो इसके थोड़े बहुत इसके खुद के कस्टम यूआई के फीचर्स भी आपको मिलते हैं जो कि ये डिवाइस का प्लस पॉइंट है। और तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए इसके मेन जो फोकस हाईलाइट है इस डिवाइस का, इसके कैमरे को देख लेते हैं कि आखिर इसका कैमरा कैसा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है हमारा रियर कैमरा, और रियर कैमरे से हम एक किसी चीज़ की फ़ोटो ले लेते हैं, सपोज करिए हम इसकी लेते हैं, ये हुआ बिना फ्लैश के साथ। और अब हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं फ्लैश फिर। तो दोस्तों इन दोनों इमेजेस की हम क्वालिटी देखते हैं, सबसे पहले तो इसकी देख लेते हैं हम फ्लैश वाले की। जूम करने पे इतना क्लियर नहीं है लेकिन हाँ देखने में फ़ोटो बढ़िया है। और ये हम देख लेते हैं बिना फ्लैश लाइट के जो हमने फ़ोटो ली हुई थी। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें क्लियरिटी दिख रही है साफ, आप जैसा देख सकते हो। तो रियर कैमरा ठीक है लेकिन हमें कंपेरिजन टू अदर 13 मेगापिक्सल कैमरा, इसका रियर कैमरा इतना खास नहीं लगा जितना हमें फ्रंट कैमरे ने इम्प्रेस किया। और हम ये चाहते थे कि इसका जो दोनों कैमरेज हैं कैमरा है वो तो आपको बढ़िया मिलना चाहिए, रियर भी और फ्रंट भी, लेकिन रियर थोड़ा सा डाउन लगा फ्रंट के मुकाबले। और जैसे कि इसकी प्राइस टैग है इस डिवाइस को 19,000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं फ्रंट कैमरा, और इसमें ऑटोमेटिक फ्लैश चल गया जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको हम ऑफ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है फ्रंट कैमरा, और हम पहले तो फ्रंट कैमरे में फ्लैश के साथ एक फ़ोटो लेके देखते हैं और फिर बिना फ्लैश के साथ लेके देखेंगे। इसमें फोकस है, और ये लिया हमने बिना फ्लैश के साथ। हाँ तो दोस्तों क्लियरिटी देखेंगे हम। इसका फ्रंट कैमरे की क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है जैसे कि आप देख सकते हो, कोई कमी नज़र नहीं आई हमें इसके फ्रंट कैमरे में। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, और हालांकि ये फ़ोन का हाईलाइट है तो इसमें हमें कमी चाहिए भी नहीं था कि इसमें कमी हो। और अब हम देख लेते हैं फ्लैश वाले के साथ में। तो आप देख सकते हो कि जिस पे फोकस था मेरे फेस पे वो क्लियर है और क्लियर नज़र आ रहा है। बाकी आपको इसके फ्रंट कैमरे में आपको फेस ब्यूटी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप इस फेस की ब्यूटी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, फेस ब्यूटी कम कर सकते हैं, वाइटनिंग अपने फेस को ज़्यादा वाइट कर सकते हैं, और अपने फेस को गोल मठोल भी कर सकते हैं, जैसे कि अपने फेस को गोल ऐसा कुछ कर सकते हैं, आई आँखों को एनलार्ज कर सकते हैं। और बाकी अगर हम इस कैमरे में और फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे एक प्रोफेशनल मोड मिलता है जिसमें आप हर चीज़ खुद सेट कर सकते हो, इसके ISO, इसका फोकस कितना रखना है एक्सेट्रा। तो ये अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो भी आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ये सब रियर कैमरा में एप्लीकेबल है, फ्रंट कैमरे में आपको फेस ब्यूटी वगैरह के ऑप्शंस मिलते हैं, फिर उसमें आप फ़िल्टर के ऑप्शंस मिलेंगे आपको, यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हो फ़ोटोज़ जो आप ले रहे हो, लाइव फ़िल्टर आपको मिलता है इस पे। सो दोस्तों हमने आपको दोनों फ्रंट और रियर कैमरास के फ़ोटो दिखाए। तो ओवरऑल इसके कैमरा जो इसका कैमरा परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, और काफ़ी इम्प्रेसिव इसीलिए भी कह सकते हैं कि ये फ़ोन हाईलाइटेड ही है कैमरे की वजह से, और इसमें जो अदर फीचर्स हैं वो थोड़े लो दिए हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम इस फ़ोन में कुछ वीडियोस वगैरह रन करके देखते हैं कि इसमें वीडियोस प्लेबैक क्वालिटी आपको कैसी मिलेगी। तो ये 1080p तक वीडियो सपोर्ट करता है। पिछली वीडियोस वीडियो में काफी प्रॉब्लम
और आप देख सकते हैं कि इसकी जो आवाज़ की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको वॉइस इसका अच्छा मिलेगा और ओवरऑल वीडियो एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि आप इसकी वीडियो की एक्सपीरियंस कैसी है। इसके एजेस ज़्यादा मोटे नहीं हैं तो आप वीडियोस को ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों इस डिवाइस में लगा है 4000 mAh के mAh का बैटरी जो कि आपको देगा लॉन्ग बैटरी बैकअप, और हमने इसको इस डिवाइस को काफ़ी हैवी यूजर्स में वन डे पूरे एक दिन तक चलाया है तो बैटरी बैकअप इस डिवाइस का आपको अच्छा मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें आप 1080p तक वीडियोस चला सकते हैं, बाकी इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग भी आपको अच्छी मिलेगी। ये देखिए काफ़ी स्मूथ है ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। कुछ भी लैग नहीं है, हालांकि हमारी साइट भी काफ़ी फास्ट है। और आपको टेक न्यूज़ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप tex24.com पे जा सकते हैं। तो ये डिवाइस हीट होता है और आप छोटे मोटे भी अगर गेम खेलने वाले हो तो ये डिवाइस पीछे से हीट होने लग जाता है। ये चीज़ हमने इसमें एक बड़ा इशू नोटिस किया। अब ये पता नहीं कि किस वजह से, मे बी लो ग्रेड प्रोसेसर की वजह से जो इस फ़ोन में लगा हुआ है मीडियाटेक का, और हम और ज़्यादा गेम्स नहीं खेलेंगे। आपको मैं एक मोस्ट पॉपुलर गेम असफॉल्ट 8 खेल के दिखा दूंगा कि ये डिवाइस कैसा परफॉर्मेंस करती है, इसमें लैग वगैरह कर रहा है ये गेम कि नहीं, और इसकी जो टाइम, ये कितना टाइम ले रही है गेम को चलाने में, बाकी ऑल अदर थिंग्स। तो दोस्तों लोड तो काफ़ी अच्छा हुई और नेक्स्ट करते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है लेकिन अगर आप गेम खेलोगे तो ये ऐसे इसकी आवाज़ दब जाती है तो ये एक थोड़ा इशू हो सकता है, और ये आजकल हर एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी इस तरह का इशू आ ही रहा है। ये इशू कहें कि इस तरह से प्लेसमेंट देखिए तो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। गेम में हमें लैग महसूस नहीं हुआ कहीं भी। गेमिंग काफ़ी स्मूथ है, हमें गेमिंग से इस डिवाइस में कोई शिकायत नहीं लगी। जैसे कि आपने देखा इस डिवाइस में जो गेमिंग है वो काफ़ी अच्छा हो रही है और गेमिंग से हमें कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं लगा। असफॉल्ट 8 जो कि 1 GB का गेम है उसको ये अच्छी तरह से हैंडल कर रही है, लेकिन वही एट द एंड ऑफ द डे आपको एक लो ग्रेडेड प्रोसेसर मिलेगा और ये डिवाइस गेमिंग में थोड़ा बहुत हीट होगा, या कहे कि आप अगर छोटे मोटे गेम्स भी खेले तब भी इस डिवाइस में मैंने हीट नोटिस किया है। तो ये इस डिवाइस का एक कहें कि डाउनग्रेडेड पॉइंट है। इनको थोड़ा सा प्रोसेसर अप देना चाहिए था, हालांकि फिर भी ये ओप्पो या इसके कॉम्पिटिटर से कहें कि वीवो V5S से काफ़ी बेहतर है। उसमें इसका प्रोसेसर भी V5S से ज़्यादा अच्छा है। इसमें HD फुल HD डिस्प्ले है जो कि आपको वीवो V5S में नहीं मिलता। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इस डिवाइस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कैमरे के लिए जा रहे हो और आपके पास बजट का कोई भी लिमिट नहीं है, आप बस कैमरे के चक्कर में कितने भी पैसे फूंक दोगे तो ये डिवाइस आपको लेने लायक है। और अगर आप वैल्यू फॉर मनी, और आप वैल्यू फॉर मनी में बेस्ट कैमरा, बेस्ट फीचर्स या बेस्ट प्रोसेसर वगैरह चाहते हो तो ये डिवाइस
इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको कोई भी सुझाव, अगर आपका कोई भी हमें क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो नीचे रेड बटन है, रेड बटन को क्लिक करिए और बेल आइकन है साथ में वो दबाइए ताकि आपको जितनी भी हम नई नई वीडियोज डालें आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिलती रहे।